हाय फ्रेंड्स नमस्कार मु मधुस्मिता आपनको स्वागत करुछी मो चैनल को। आज आम या पानी सारु तरकारी जदि आपनको पाखरे पानी सारु अवेलेबल नाही ताले मार्केट रे जो सारु अवेलेबल अछि से सारु रे भी आपन ए तरकारी तयारी करि परिबे। तबे डेरी नकरी चालंतु स्टार्ट करबा रेसिपी। ता पूर्वरु देखि नबा आवश्यक सामग्री। मु एठी नैछि गोटे पानी सारु, 3-4 चम्मच नैछि मु फ्रेश दही, गोटे चम्मच नैछि कसूरी मेथी, गोटे चम्मच धनिया पाउडर, अधा चम्मच नहीं लंका गुंड, किछि सोरिष नहीं, हलदी गुंड नहीं अधा चम्मच, स्वाद अनुसार लुण, 2 मीडियम साइज़र प्याज नहीं, 2 कंचा लंका, 8-10 पाखुड़ा रसुण, खंडे अदा, किछि धनिया पत्र, 2 मीडियम साइज़र टमाटो, गोटे छोट पीस्र लेंबू मुँ नहीं, 5-6 चम्मच सोरिष तेल। तेबे चालंतु डेरी नकरि ए सब को भल भाव काटि नबा। सारु को काटिया पाई मु प्रथमे 2 साइड को काटी फिंगी देछि, तापरे या को 2 खंड करि नबा। एमिति कले एथरो चोपा छड़ा पाई सुविधा हेतै। प्रथमे यार चोपा भल भाव छड़े नै जिबा। आको भल भाव धोई नबा पानी रे, तापरे या को छोट छोट पीस करी काटिबा। ये सारु तरकारी बहुत टेस्टी लगी था। जदि भी आपण पानी सारु ना ताहले आपण जो सारु अवेलेबल अच्छे मार्केट रे से ही सारु नियंतु। ताको गोटे हुईसिल दबा पर्यंत बॉईल कर नियंतु चोपा सहित, तापर चोपा छड़े कि सेम प्रोसेस रे तैयारी करंतु तरकारी। वर्तमान मु या को छोटे छोटे पीस कर काटि नै जाइछि। तो यह काटला बेले टिके केयरफुल काटियो पड़िबो, नहले सारु लाळ अंश थाए तो हाथ खसे आउ टे टाण भी थाए। तो वर्तमान कटा हो जाए, मुँह या गोटे प्रेसर कुकर दे देछि। गोटे ग्लास पानी इथरे दे देबा, या को बॉईल करबा गोटे हुईसिल पर्यंत मीडियम फ्लेम रे। तो गोटे ग्लास पानी दे देछि मुँह इथरे, तो किछि लुण दे देबा, आउ काटी रखीथिबा जो छोट लेंबू पेस्ट इथरे दे देबा। लेंबू पेस्ट देले सारु कळा होइ नै कि प्रेसर कुकर आउ कळा होइ नै थाए। वर्तमान ए सब दे गोटे मीडियम फ्लेम रे गोटे हुईसिल पर्यंत या को बॉईल कर नबा। तो से भितर आम प्याज टमाटो सब काटि नै जिबा। तो वर्तमान मु प्याज को छोट छोट करी काटि नै जाउछि। वर्तमान प्याज कटा हो जाइछि, रखिथिबा कंचा लंका को भी काटि नै जिबा छोट छोट करी, और रखिथिबा अदा रसुण को मु ग्रेट करिक नै छि। मु या को छेची करी भी नै परबे आपण, नहले ग्रेट करी नियंतु। अदा रसुण पेस्ट अपेक्षा जदि आपण एमती ग्रेट करि नौछन ता टेस्ट बहुत भल आसथाय। वर्तमान टमाटो को काट नै छिबा। टमाटो को गोटे जगह को बाहर करि नबा। वर्तमान रखिथिबा धनिया पत्र को भी काट नै छिबा छोट छोट पीस करी। तो देखो मो भल भाव धनिया पत्र काटि नहीं जाइए। वर्तमान सारु भी सीझी जाइए भल भाव यार पा बाहर करके थंडा हवा पर्यंत किस समय रखिदबा। वर्तमान सारु फ्राए करने मु गोटे पैन मीडियम फ्लेम रे बसे देछि। पैन टी गरम हो गला, मु 2-3 स्पून सोरस तेल ये दे देछि। तेल गरम हो गला पर एथरे दे देबा गोटे पिंच रो हळदी गुंड, तापर दे देबा रखिथिबा सारु। सारु भल भाव थंडा होता दरकार, ना सब पूरा पेस्ट हो जाए। वर्तमान ये आड करद टे लुण, सारु फ्राए कला लुण दे सारु भल भाव अब्जर्व कर नहीं जाए लुण को। यहाँ को पूरा हाल्का हाथ में फ्राए कर नवा टे गोल्डन कलर हाँ पर्यंत, और 4-5 मिनिट यहाँ को मीडियम फ्लेम फ्राए कर नवा। वर्तमान देखो पूरा सारु भल भाव फ्राए हो जाए, गोटे जगह को बाहर कर नवा। मु सेम पैन रे ही तरकारी तैयारी करछि। तो पैन तो गरम अछि, इथरे दे देबा आउ 2-3 स्पून सोरिष तेल। वर्तमान तेल पूरा गरम हो गलाणी, तो दे देबा रखिथिबा सोरिष। सोरिष फुटिबा स्टार्ट हो गलाणी, तो इथरे दे देबा काटि रखिथिबा प्याज सब।
पिज को गोल्डन ब्राउन कलर हवा पर्यंत फ्राई करना तापर पर दे देबा टिके लूण अल्प लूण ही देबे कहीं ना आम सारू फ्राई कला बेलू भी लुण देचे जदि भी लुण कम होपन तरकारी टेस्ट करी पर लुण आड करें देखते बर्तमान पिज पूरा गोल्डन ब्राउन कलर होदेबा काटि रखी कंचा लंका और ग्रेट कर रखि रसुण और अदा को यार कंचा गंध जावा पर्यंत टे फ्राए कर नवा दुई तीन मिनिट पर्यंत बर्तमान ये भल भाव फ्राए हो गलाद कि हलदी गुंड आप फ्लेम को पूरा सीम्रे ही रखिए तो यहाँ टी हल्का फ्राए कर नहीं देदेबा बर्तमान काटि रखी टमाटो टमाटो पूरा मेल्ट हाँ पर्यंत आम यहाँ फ्राए कर नवा तो रखि धनिया पाउडर भी देदे ये गोटे भल भाव मिक्स कर बर्तमान यार कभर बंद करदे दुई तीन मिनिट पर देखु टमाटो सब पूरा मेल्ट तो ये आड करदे रखि कसूरी मेथी कसूरी मेथी को टिके हल्का फ्राए कर नहीं तो गरम होगा या हाथ में टिके क्रश करदे क्रश करदे बहुत भल बासना आए आपत भी कसूरी मेथी जेकोसी तरकारी यूज करते हल्का फ्राए कर ने बर्तमान यहाँ दुई मिनिट पर्यंत एमती फ्राए कर नवा मसला कोई रखि दही को भल भाव फेटिकनीद तापरे कंटिन्यूसली भल भाव दही को गोल ना दही फाटि जबार चांस थाए दुई तीन मिनिट पर्यंत एमती मसला को फ्राए कर नवा बर्तमान मसला तेल छाड़ा स्टार्ट होदे कि आपण ग्रेवी अनुसार आपण पानी देबे मुझे गोटे ग्लास पानी ऐड करी भल भाव गोल नहीं जीवा यार लीड बंद कर दबा किसी समय फुटिबा पाई छाड़ी दबा वर्तमान ग्रेवी रे बॉयल आसवा स्टार्ट हो गलानी वर्तमान ग्रेवी रे भल भाव बॉयल आसी गलानी या को टिके गोळे नै जीवा वर्तमान एथरे ऐड कर दबा भाजी रखी दिबा सारो या को 4-5 मिनिट एमती फुटिबा पाई छाड़ी दबा जमती ग्रेवी भल भाव सारू अब्जर्व कर नब मीडियम फ्लेम रे ही आप फ्लेम को रखिए बर्तमान देखो आम ग्रेवी और सारू तरकारी पूरा रेडी या को गार्निश करदे कि धनिया पत्र जदि आपण को मोर ये रेसीपीटी भल लगी प्लीज गोटे लाइक करूँ सेयर करूँ हाँ जदि एपर्तंत आप चेल नुआ अच्छा प्लीज सब्सक्राइब करनी पाखे थोड़ा बेल आइकन टी प्रेस करने को बिल्कुल भूलिबे नहीं मुझे जहाँ भी नुआ रेसीपी अपलोड करी तार नोटिफिकेशन आपको प्रथम मिल जाव बर्तमान रेडी आम पानी सारू तरकारी खावाई बहुत टेस्ट लगे आप निश्चिंत यह गोटे थर घर या रोटी कि भात सहित सर्व करें तेरे रोचे नमस्कार मुझे आउ गोटे नुआ रेसीपी सहित टेक।